पैट कमिन्स एक ऑस्ट्रेलियाई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं जो टेस्ट और एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की पुरुष राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की कप्तानी करते हैं वह 2024 इंडियन प्रीमियर लीग में सनराइजर्स हैदराबाद के वर्तमान कप्तान भी हैं जन्म 8 मई उन्नीस सौ तिरानवे आयु इकतीस वर्ष वेस्टमीड ऑस्ट्रेलिया शामिल होने की तिथियां 2024 सनराइजर्स हैदराबाद अधिक वर्तमान टीमें सनराइजर्स हैदराबाद क्रिकेट गेंदबाज अधिक भाई बहन टिम कमिंस लॉरा कमिंस कारा कमिंस मैट कमिंस ऊंचाई एक दशमलव नौ दो मीटर माता पिता मारिया कमिंस पीटर कमिंस दो शून्य दो चार वर्तमान सनराइजर्स हैदराबाद पैट कमिंस नेटवर्थ इन रुपीस थ्री हंड्रेड एंड ट्वेंटी क्रोस रूपीज प्रारंभिक जीवन कमिन्स अपने दो भाइयों और दो बहनों के साथ सिडनी के पश्चिम में ब्लू माउंटेंस में माउंट रिवर व्यू में पले बड़े उन्होंने सेंट पॉल ग्रामर स्कूल में पढ़ाई की बचपन में वह ब्रेटली को अपना आदर्श मानते थे जिनके साथ उन्होंने बाद में कुछ समय के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेला तीन साल की उम्र में कमिन्स ने अपने दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली का ऊपरी हिस्सा खो दिया जब उनकी बहन ने गलती से उस पर दरवाज़ा बंद कर दिया था कमिन्स ने 2010 में पेनरिट डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट क्लब के लिए प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेलने से पहले ब्लू माउंटेंस में ग्लेनब्रुक ब्लैक्सलैंड क्रिकेट क्लब के लिए जूनियर क्रिकेट खेला उसी वर्ष कमिन्स ने राष्ट्रीय अंडर 17 चैंपियनशिप में एनएसडब्ल्यू का प्रतिनिधित्व किया और बाद में एनएसडब्ल्यू अंडर उन्नीस टीम का प्रतिनिधित्व किया प्रारंभिक कैरियर तस्मानिया के खिलाफ 2010 से 11 के एफ सी ट्वेंटी बिग बैश के प्रारंभिक फाइनल में कमिंस ने 16 रन देकर चार विकेट लिए और उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया वह टूर्नामेंट में बराबर के अग्रणी विकेट लेने वाले खिलाड़ी के रूप में समाप्त हुआ मार्च 2011 में कमिंस ने 17 साल की उम्र में तस्मानिया के खिलाफ अपना प्रथम श्रेणी डेब्यू किया उन्होंने दो बटा अस्सी के आंकड़े हासिल किए कम्स ने 2010 हज़ार दस बटा ग्यारह सीजन के अंतिम तीन मैच खेले जिसमें फाइनल भी शामिल था जहां उन्होंने मैच के लिए पैंसठ ओवर फेंके बाद में उन्हें पीठ की चोट के कारण ऑस्ट्रेलिया एक जिम्बाब्वे दौरे से बाहर कर दिया गया अंतर्राष्ट्रीय कैरियर प्रारंभिक कैरियर और चोट से संघर्ष कमिंस को जून 2011 में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया अनुबंध दिया गया था और अक्टूबर 2011 में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के लिए दो ट्वेंटी बीस अंतर्राष्ट्रीय टीबीस आई और तीन एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई मैच खेले जिसमें दस विकेट लिए और बाद में दक्षिण अफ़्रीका खेलने के लिए ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट टीम में चुने गए कमिंस ने नवंबर 2011 में जोहान्सबर्ग के वांडर स्टेडियम में टेस्ट मैच में पदार्पण किया जो उनके करियर का चौथा प्रथम श्रेणी मैच था उन्नीस में यान क्रेग के बाद ऑस्ट्रेलिया के सबसे कम उम्र के टेस्ट क्रिकेटर बने जिनकी उम्र 18 साल और एक दिन थी कमिंस ने एक बटा अड़तीस और छह बटा उनासी रन बनाए एक पारी में छह विकेट लेने वाले दूसरे सबसे कम उम्र के टेस्ट क्रिकेटर इनामुल हक जूनियर के बाद बन गए इसके बाद उन्होंने दूसरी पारी में एक चौके सहित तेरह रन बनाए और मैच जीत लिया और उन्हें मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया एडी की चोट के कारण अपना पहला टेस्ट मैच खेलने के बाद कमिन्स को 2011 से 12 की पूरी गर्मियों से बाहर होना पड़ा कमिंस को अगस्त 2012 में क्वींसलैंड में होने वाले आईसीसी अंडर 19 विश्व कप के लिए ऑस्ट्रेलिया की अनंतिम टीम में चुना गया था कमिंस ने 2012 हज़ार बारह टी बीस विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया और 2012 हज़ार बारह चैंपियंस लीग में सिडनी सिक्सर्स का प्रतिनिधित्व किया लेकिन नवंबर में ऑस्ट्रेलिया लौटने पर उनकी पीठ में तनाव फ़्रैक्चर का निदान किया गया जिससे उन्हें फिर से 2012 हज़ार बटा तेरह की घरेलू गर्मियों से बाहर होना पड़ा अगस्त 2013 में कमिन्स ऑस्ट्रेलिया ए के लिए लौटे लेकिन उनकी पीठ में तनाव फ़्रैक्चर की पुनरावृत्ति के कारण उन्हें 2013 से 14 की गर्मियों में अधिकांश भाग से चुकना पड़ा अपने गेंदबाज़ी एक्शन को फिर से आकार देने के लिए डेनिस लिली के साथ काम करने के बाद वह जनवरी 2014 में बीबीएल में लौट आए 2014 के दौरान सफ़ेद गेंद के क्रिकेट को प्राथमिकता देने के बाद कमिंस को 2015 के विश्व कप अभियान के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम में चुना गया जहां उन्होंने चार मैच खेले रयान हैरिस के संन्यास के बाद कमिंस को 2015 हज़ार टीम में देर से शामिल किया गया था लेकिन उन्हें श्रृंखला के दौरान टेस्ट के लिए नहीं चुना गया था वे उसी दौरे में वनडे और टी सीरीज का हिस्सा थे दौरे के वनडे चरण के दौरान कमिंस का स्ट्रेस फ्रैक्चर फिर से उभर आया और वे पांच साल में चौथी बार पूरे घरेलू समर से बाहर हो गए कमिंस ने 2016 में घरेलू क्रिकेट में वापसी की ब्लू वनडे टीम और सिडनी थंडर के प्रमुख सदस्य बन गए क्योंकि वह फ़िट रहे और सिर्फ़ चार महीनों में 25 मैच खेले व्यक्तिगत जीवन कमिन्स ने अपने एलीट एथलीट प्रोग्राम के तहत सिडनी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में भाग लिया और 2017 में बिजनेस में स्नातक की उपाधि प्राप्त की फरवरी 2020 में कमिन्स ने अपनी लंबे समय की प्रेमिका बेकी बोस्टन से सगाई कर ली दंपति का एक बेटा है उन्होंने 1 अगस्त 2022 को शादी की उनकी मां मारिया कमिन्स का लंबी बीमारी के बाद 10 मार्च 2023 को निधन हो गया